सारा का युद्ध आखिर क्या है और ये युद्ध क्यों लिखा है इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या है जो ये आजकल फिर आया है चर्चा में इस वर्ष सारा के युद्ध को एक सौ दोस्तों तरुण आई एस किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है मैं हूं नंदिनी भटनागर और आज मैं चर्चा कर रही हूँ सारागढ़ी के बारे में सारागढ़ी समाना रेंज पर स्थित कोहाट जिले का सीमावर्ती इलाके का एक छोटा सा गाँव है और इस समय वर्तमान पाकिस्तान में है इस किले को 21 अप्रैल 1894 को ब्रिटिश सेना के 36वीं सिख रेजिमेंट के कर्नल जे कुक की कमान में बनाया गया था अगस्त 1897 में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हैटन की कमान में 36वीं सिख रेजिमेंट की पांच कंपनियों को ब्रिटिश इंडिया के उत्तर पश्चिमी सीमा पर भेजा गया था और समाना हिल्स कुराग, संगर, धर और सारागढ़ी में उनकी तैनाती की गई थी अंग्रेज इस अस्थिर और अशांत क्षेत्र पर नियंत्रण पाने में आंशिक रूप से तो सफल रहे लेकिन वहां के मूल निवासी पश्तूनों ने समय समय पर ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करना जारी रखा इसलिए ब्रिटिश राज ने किलों की एक श्रृंखला को मरम्मत करके अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए ये वो किले थे जो मूल रूप से सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनाए गए थे इनमें से दो किले फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान ऐसे थे जो एक दूसरे से कुछ मीलों की दूरी पर स्थित थे इन किलों को एक दूसरे से दिखाई नहीं देने के कारण सारा सारागढ़ी को इन किलों के बीच में बनाया गया था और इसका प्रयोग एक हेलियोग्राफिक संचार पोस्ट के रूप में किया जाने लगा सारागढ़ी पोस्ट को एक चट्टानी पहाड़ की चोटी पर बनाया गया जिसमें एक छोटा सा ब्लॉक हाउस किले की दीवार और एक सिग्नलिंग टॉवर का निर्माण किया गया तो आखिर कैसे शुरू हुआ यह विद्रोह अठारह में अफगान विद्रोह भारत को लूटने के प्रयास में यह विद्रोह शुरू हुआ और 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच पश्तूनों द्वारा किलों का कब्जा करने के लिए जोरदार प्रयासों को ब्रिटिश सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट द्वारा विफल कर दिया गया अठारह में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह और आकस्मिक गतिविधियां बढ़ गई थी जिसका फायदा उठाकर अफगान लुटेरे भारत में लूट करना चाहते थे और 9 सितंबर को अफ्रीदी आदिवासियों ने अफगानों के साथ मिलकर अंग्रे अंग्रेज सेना पर गुलिस्तान पर हमला किया दोनों हमलों को नाकाम कर दिया गया पश्तूनों और अफगानों का नेतृत्व गुल बादशाह कर रहे थे दुर्भाग्य से उस दिन किले की रखवाली केवल 21 सैनिकों के सर पर थी लगभग सुबह के 9 बजे के पास सारागढ़ी में एक मोटी सी धुंध देखी गई और यह महसूस किया गया कि यह किले की ओर बढ़ते हुए आदिवासियों की बढ़ती सेना के कारण हुआ है इनकी संख्या लगभग 12,000 के करीब मानी गई आदिवासी की सेना को देखते ही गुरमुख सिंह नाम के सिपाही ने कर्नल जॉन हाउटन को संदेश भेजकर और साधनों की मांग की दुर्भाग्यवश दुश्मन सेना ने दोनों किलों के बीच का मार्ग बंद कर दिया था सिपाही गुरमुख सिंह ने जब यह बात प्लेटून कमांडर ईश्वर सिंह को बताई तो छत्तीसवीं सिख रेजिमेंट की बटालियन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि उनके पास मात्र 21 सैनिक थे और गोला बारूद की मात्रा भी सीमित थी इसके अलावा मॉर्स कोड वाला यंत्र जिस पर आमतौर से तीन अधिकारियों के द्वारा संचालित होता है उसे अकेले गुरमुख सिंह संभाल रहे थे उन 21 जाबाज सिपाहियों ने दुश्मनों का जमकर साम, सामना किया बल्कि दाद जो किले की सफाई का, का काम करता था उसने भी अपनी टुकड़ी का साथ देते हुए पांच दुश्मनों को मार गिराया युद्ध के बाद क्वीन विक्टोरिया ने सभी इक्कीस सिपाहियों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा और उनके प, परिवारों को करीब 50 एकड़ जमीन पाँच सौ के रूप में दिए। 2017 में पंजाब सरकार ने 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाने का फैसला किया और राजकीय अवकाश की घोषणा की इसी के साथ पाकिस्तानी सेना खैबर स्काउट्स रेजिमेंट एक गार्ड लगाती है और लॉकआउट के पास सारागढ़ी स्मारक को सलामी देती है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए धन्यवाद